रावण दे सौरियां दा इह आपां नूं उपरों जमा व्यू दिख रहा है। रावण दे सौरे रामायण दे टाइम दा ये भी बनया होया गा। जिहदे टाइम ते जे आपां किसे नूं पीओपी करन नूं कह दिए ना, इह जी मिस्त्री जवाब दे के भजूगा। मेरी आया हुण रावण आपदी लै के जंज। सत श्री अकाल जी, सारयां नूं स्वागत कर रहे हैं अज की इस नवी वीडियो दे विच। सफरां दा दौर जारी है ते इन्हां सफरां ते चलदे हुए अज आपां पहुँच चुके आंगे रावण दे सौरे पिंड। ते इस वीडियो दे विच आपां तुहानूं रावण का सौरा पिंड दिखावांगे, वो थान जिथे होया सी रावण का ब्याह, वो सारी गल्लबात इस वीडियो दे विच करांगे। पर जिहड़ी इह वीडियो की शुरुआत इह आपां करांगे एक अपने यार मित्र पट्टी वालियां दे ढाबे तों, क्योंकि रात आपां उत्थे रुके सी, उत्थों चला के आपां सानू इत्थे रावण के सौरियां तक का जिहड़ा सफर हैगा उह लैके आवांगे। ते नाल सानू रावण के सौरे कित्थे होया सी ब्याह, की है इस जगह का इतिहास, ते आ कित्थे खड़े आं आपां जिहड़ी इन्नी सोहणी जगह बनी हुई आ। चलो फिर आज आपां वीडियो नूं करदे आं शुरू, टाइम ना खराब करदे हुए जुड़ो साढ़े सफर ना। राजस्थान का अपना सफर चल रहा, दिन गिने गए किनवा हो गया, गिने नहीं ना दिन, आपां नूं वी एग्जैक्टली याद नहीं किन्ने तरीक किन्ने दिन हो गए, किन्ने तरीका तो उही भुल जाने। तो फिर सफर यह अपना जारी आ, पूरे भारत का सानू दौरा घुमा रहे हैं आप। फिलहाल पहली स्टेट अपनी राजस्थान, राजस्थान के कोशिश कर रहे हैं कि सानू हर एक जगह हर एक शहर तो हर देखने वाली चीज़ दिखा दीए। तो हुण आपां अज देखा रावण के सौरे, तैयार फिर ठीक है चलिए, चलो आज करिए वीडियो में शुरू। रात इत्थे ला लिया सी बाहरी आपां घा दे उत्ते टेंट, ते कल दी वीडियो जी आपां सुन दस्सदा सी भाई रात दा जिहड़ा टिकाणा अपना इत्थे जोधपुर नगर रोड ते पट्टी वाले ढाबा, हुण करावांगे आपां बाईआं नाल मुलाकात। आ सारियां खड़ियां गड्डियां पंजाब नंबर, अजे तक यार पहला इदां दा इत्थे ढाबा देखिया राजस्थान च। इत्थे सवेरे हर रोज़ नितनेम दा पाठ चलदा, सवेरे गुरुद्वारा सवेरे दरबार साहिब तों गुरबाणी जिहड़ी लाइव चलदी, शब्द कीर्तन लाइव चलदा होवे ते अपने ट्रकां वाले वीर बह के सुणदे आ। लो भी पट्टी वाले के ढाबे तो पा के हुण आपां चले, इत्थों चलांगे मंडोर, जाने के रावण के सहुरे जिहनूं कह दिंदे आ। ते आ सारियां गड्डियां खड़ियां अपणियां पंजाब नंबर 302 ते इत्थे उहनूं जरूर आ के जाया करो, घंट गल्लबात। ते इधर आ गया इह मेन गेट, ते अज दी इस वीडियो दे विच आपां तुहानूं दिखाउणे आ भाई रावण दे सहुरे। अंदरी गेट से पार्किंग बनी हुई है, साइकिल की 5 रुपये, टू व्हीलर की 10 रुपये, कार की 30 रुपये, बड़ी गाड़ी की 50 रुपये। तो हैगा ये 5:30 तो लैके 8:30 बजे तक सियालों खुलता, गर्मियों च फिर यह 9:30 बजे बंद कर दिया। इधर पार्किंग आ, पार्किंग आप मोटरसाइकिल लाते, यानी कि 10 रुपये टोटल 20 रुपये की पर्ची कटवा ली इतों, तो हूँ उतों गेट चो करा आप एंट्री। तो ये अंदर बनया की होया ये बारे इतने भाई पहली इन्होंने लिखा हुआ हिस्टोरीकल प्लेसिस आ गए, अजीत पोल आ गया, तो भेरू जी टैंपल का मंदिर आ गया, एक देवताओं का साल आ गया, संग्रहालय, एक थंबा महल, देवल, नागदाड़ी बांध, पुराना मंडोर किला, यह सारिया चीज़ा ये अंदर देखने वाली ने। हरसिमरन जा रहा मेरे मूहरे मूहरे। तो इधर गड्डिया गुड्डिया की पार्किंग, इधर मोटरसाइकिल वगैरह की पार्किंग आ गई, इतों हमने करिए आप एंट्री कर लीए। जिस जगह के उपर अज आप है, असल विच इस जगह का नाम हैगा मंडोर, जोधपुर तो 7 किलोमीटर या 9 किलोमीटर ये बिच बिच है, क्योंकि जोधपुर हुण है ना विवाद बहुत गया उहदे करके इन्नी कु लोकेशन पैंदी है, 9 किलोमीटर दूर यह गूगल दिखाउंदा गा लोकेशन। तो इदां ही इत्थे यह एक किला बनया होया, तो यह आ गया पहला किले का गेट। ये किला किने बनवाया है ना, किवें सी वो गल्लबात आप सारी जदों किले के उपर नूं चलांगे फिर करदे नाल नाल। आप रावण के यह सहुरे आ गए मंडोर, क्योंकि वो घर वाली का नाम से मंडोदरी। कहा जाता है भी यह जिहड़ा किला गा जां फिर यह स्थान आ उहदे नाम तो बनया गा। यह जिहड़ी जगह गी यह रामायण तो पहलां दी जगह गी, मतलब पुरातन आ बहुत जगह, यह कोई यह नहीं हैगा कि भी किला जिवें इत्थे विकसित होया वह बाद दे विच होया विकसित, पर यह जगह बहुत पुरानी आ। इत्थे हुण आपां चलदे हुए अगे देखांगे पहला फेम ऑफ गॉड, यानी कि देवताओं की साल कहा जाता, देवी देवत्या ने जिहड़ियां ते वीर योधिया ने इन्होंने इतने तस्वीर बनाई हुई हैं। इतने बस अंदर शीशे के अंदर इन्होंने देवी देवताओं जी फोटो जड़ी हुई, जिम्मे पहली फोटो श्री गणेश जी की आ गई, तो फिर दूजी आ गई जलंधर नाथ जी की, ए अलग अलग नाम उत्ते लिखे हुए कि फिर महादेव जी की आ गई, कृष्ण भगवान की इतने लिखी हुई है भाई इन्होंने बनाई हुई है फोटो, तो अगे रामचंद्र जी की आ गई, तो सूर्य जी की आ गई, सारे ने जिन्या भी है ना वो फोटो बना के इतने इन्होंने इतने तक पहला देवी देवते नहीं चलते ने, सामने श्री ब्रह्मा जी, तो इस तो बाद कुछ इन्होंने शूरवीर जोड़े योधे हुए श्री मेहो जी,
श्री गोगा जी उन्हें सारे ने जड़िया इतने ऐ फिर ये फोटो बनाई हुई इतने मूर्तियां बना के अंदर म्यूजियम शीशे के जड़ के रखी हुई ने। इधर बनया हुआ श्री काला गोगा भैरव जी मंदिर, तो ये मंदिर के आना तो इधर जा सकते। तो इधर आ गया स्टेट म्यूजियम मंडोर म्यूजियम है इधर, तो इधर अं हजे भी वह पला फड़ के उमें कोई रस्म वगैरह चलती है इतने मंदिरों के। इधर म्यूजियम म्यूजियम की टिकट हैगी जी अपनी इंडियन की 20 रुपए, इधर टिकट की जी खिड़की बनी हुई है। तो म्यूजियम आप बाद देखा कि पर इधर हैगा मंडोर जरा पुराना किला उन्होंने जाना रास्ता हूँ आप उधर सीधे चलोंगे सामने अगे जाके दो राह जाते एक तो उपर लंघ जाता है एक सीधा उदयपुर तो यह जोधपुर तो यह बस 7-8 किलोमीटर दूरी है। तो हूँ बिच जी रच गया जोधपुर तो 7 किलोमीटर दूर यह थां गा। हजे तक अपने कोई वीडियो नहीं देखी आप पंजाबी दे विच यूट्यूब के उपर अपन यह पहलियाँ वीडियोज आनगियां, सो दब के शेयर रखियो शेयर वाला काम खिंच के रखियो इन्हों। तो चलो आज किले के होर थोड़ा जा हाइट से चलीए तो उतों देखिए इस सारे मंडोर शहर का नज़ारा। तो रोड तो कोई बाला हटवानी रोड थोड़ा जहा ही हैगा, तो इतों यह सारा जड़ा आपां नूं व्यू हैगा वह दिख रहा है हर रावण के सहुरिया का। यह आपां नूं उपरों जमा व्यू दिख रहा है ये रावण के सहुरे देख लो तुसीं भी लै। तो इतों यह सारा जरा व्यू आप देख देंगे। इधर यह म्यूजियम रह गया वह किले की जमा शिखर आ गई, तो उधरों बहुत सोहने दो मंदिर बने हुए। तो कोशिश करेंगे आप थान लभीए जिथे भाई कहें है इतने जेड़े हवन के ना रावण का जो जिथे मतलब फेरे हुए थे वह भी चीज़ मिली सी वो इतने लोकल वगैरह को पुछ के आप लभद हैं कि फिर आप चीज़ भी थले चल के मंदिरों के शायद होते दिखाने गए। म्यूजियम के बस उ जिम्मे पिछले आप किले देखे पुरानी कृपाना कृपूना वो सारा कुछ रख्या होगा, हवन का आप पता कर लिया वो इतने है नहीं गा। तो किले का उपर तो ये किल्या की ना एक चीज़ होंगी सी जिम्मे जे पत्थर लगे देखते हो चाहे तुम आने लगे चाहे है ना कट्टे हुए पत्थर है ये कोई पत्थर ए नहीं है कोई बहुत ही दूरों स्पैशली टापड़ वगू पट्ठे वगू पट्ठे चो कट के लिया हो सामने जिम्मे पहाड़ देखता ना बस ये यह पत्थर इन्होंने तराशे हुए तोड़े हुए है तो फिर मंकी मैन वो सीगा। तो ये कट के लिया भाई इन्होंने ये पत्थर फिर इतने ही ला देंगे है चौरसिया करके मसाला जहा ला के माड़ा जहा खड़ा देंगे है। तो यह उपर तो जोड़ा यदा व्यू देखने वाला सी। चलो हुण आपां थले चल के जिथे रावण दे होए ते म्यूजियम दे आ बिल्कुल पिछे एक बना है एक थंबा महल सोहना बनया हुआ उदा देखने दे विच तां पर इहदा इतिहास की आ क्यों बनाया गया सी किहने बनाया कदों बनया वह इत्थे कुछ भी नहीं लिखा गूगल ते आपां देखिया तां इंटरनेट वगैरह ते भी आपां कोई ऑप्शन नहीं मिली इहदी लभ के म्यूजियम दे बिल्कुल बैक साइड सी ना ही आपां नूं पता थंबा हुंदा की है एक तो पता महल का पता थंबे का नहीं पता की हुंदा। सामने हुण इह थंबा महल तुसीं देख रहे हो ये उस समय क्योंकि जालियां दे उत्तों ही आपां अंदाजा जिहा ला लैंदे आ जिहड़ी घुंड वाली प्रथा उह शुरू हो गई सी। ते इत्थे फिर यह महिलावां दे बैठण वाली यह चीज़ बनाई हुई सी। ते इहदे क्योंकि एक तो दूजी ऑप्शन यह मिलदी कि बिल्कुल नाल ही यह जनाना बाग मिलता। तो कहा जाता कि रामायण के टाइम का ये भी बनया होया गा जिहड़ा सानूं आपां पहलां उपरों किला दिखा के आए ना ये कहा जाता है कि इत्थे पहलां राव जोधा जी ने पहलां इत्थे आके जिहड़ा आपदे किले का निर्माण किया पर यह जगह कोई बहुत ही सेफ नहीं सी हमलावर जगह बहुत ही सेफ नहीं सी हमलावर जिहड़े आ लगातार आउंदे रहिंदे सी ते हमले करदे रहिंदे सी ते फिर इत्थे इन्हां नूं औखा सी। ते इस तों बाद इन्हां ने एक पहाड़ी लभी उस पहाड़ी दे उपर फिर जिहड़ा किला बनाया जिहड़ा हुण आपां किला कह दें देख कल दी वीडियो दे विच तुसीं देखिया उह किला उह किले दा सारा व्यू अंदरों किला किवें आ उह सारी गल्लबात आपां तुहानूं कल दी वीडियो दे विच दिखा चुके जिहनूं मेहरानगढ़ दा फोर्ट कहा जांदा गा। तो फिर उत्थे जा के रहन लगे तो यह सारी जिहड़ी जगह गी यह पुरातन जगह गी रामायण दे टाइम दी। तो इत्थे ही किते फिर रावण दा जिहड़ा उह ब्याह हुंदा तो उदे फिर रावण के घरवाली तो नाम ही जड़ा इस जगह का पिया हुआ मंडोदरी उसका नाम सी। तो हुण आपां मंडोर दे विच समय फिर रहे पर जड़े वो अवशेष सीगे कहा जाता है कि वह हुण पर इत्थे है नहीं गए मिले जरूर सी पर किधर गए किधर नहीं उदे बारे कोई भी इत्थे कहण तो झिझक दे जा सम खुल के जो कोई बोलता नहीं। तो जिहड़े आ सामने हुण तुसीं देख रहे हो ये मंदिर नहीं है इत्थे ये आप कह लिए एक तरीके का इन्हों का शमशान घाट वांगू यूज होंदा सी समाधियां बनिया हुई ने राजिया दियाँ राजिया के जिहड़े संस्कार किए जाते वो इस पासे किए जाते तो राणिया के वो उधर किला वो तो दूजे पासे जगह गी वह उधर किए जाते देख लो समाधियां भी इन्होंने ए सजा के डेकोरेट करके
फारे फूरे ला के रख्या होगा। तो एक ये भी चलता कि भाई जी जोधपुर शहर है एक शरापित हैगा, इतने तीन साल काल पैंदा, एक साल मीह पैंदा। ये किसी सियाने बंदे ने उस टाइम पहला शराब शरूप देता से उदे करके फिर इतने कहते भाई तीन साल काल पिया रहा गा, तो एक साल फिर दब के मीह पैंदा। तो आ है समाधियां ने, तो इन्हें हुई भी जी बरीक मीनाकारी बरीक आर्कीटेक्ट बहुत ही जड़े शाही घरान का जिक्र करते कि जिस समय के भी ये बने हुए तकड़ा एक ही घराना इस जगह के उपर राज कर रहा सी। ते देवल मतलब यार जिवें हुण अपने आपां पिछे जे गए सीगे फतेहगढ़ साहब, उत्थे आपां मुसलमानां दे तौंब देखे हुए सी, मतलब जो वह जो पूरे हो जाते हैं ना, ये तो बाद उन्हां दी यादगिरी उत्थे तौंब यानी कि एक समाधि टाइप बना दिंदे सी, ये भी उम्मीद बनया होगा। ये महाराजा अजीत सिंह दे देवल बनया होया, जे देवली कह दिंदे इहनूं इत्थे, ये टाइप ऑफ आपां समाधि कह लईए है ना, इदां जे आपां देसी भाषा च गल करिए। फिर ये महाराजा अभय सिंह ने बनाया सी, जिहड़े उन्हां दे पुत्र सी, बहुत सोहनी का आर्कीटेक्ट। तो हुण आपां अंदर चल के देखते हैं किवें दी, जे आपां तौंब तो पहला देख ले सी कि तौंब किवें हुंदे सी, ते हुण आपां चल के तुहानूं इह देवल दिखाउंदे आ। इहनां दे शुरू च ही गेटां दे उत्ते देवी देवतियां दी जिहड़ी सानूं ज़्यादातर बरीक आर्कीटेक्ट दे विच वी जिथे बरीकी नाल वी कम कीता हू, उत्ते वी किसे देवी देवते दी सानूं मिलेगी मूर्ति लगी हुई है। यह भी है तो शेर की, जिवें किसे शेर की सवारी की हुंदी, इधर भी यही बनी हुई है। हुण आपां चलदे आं अगे, बरीकी देखो कम देखो यार, तसलियां नाल कम कीता होया। इधर आ चाहे पिलर होण, पिलर तां गिणे भी नहीं जाणगे, पिलरां दे उत्ते बणिया होया वड्डे वड्डे पत्थरां ते टका के, उहनां पत्थरां दे उत्ते फिर इहनां ने इह आपदी आर्ट कीता होयागा। उपर जाण नूं रस्ता होर हैगा पर इह जिंदा लग्गिया होया उपर, इह चीज़ देखण वाली। छत देखो, तो इधर भी जो तुम पत्थरों के उपर जाएंगे तो होर थानू कुछ देवी देवत ने जड़िया मूर्तियां वह बनिया मिलनगियाँ। इतने इन्हें यही इन्हों की जी खासियत सी, हिंदू आर्ट आ मुस्लिम आर्ट आप पहले कई बार देखे, तो वह अंदर शायद उ चीज़ जो देवल कह देंगे वह बनी हुई हैगी। तो यह सारा अंदरों देखने वाला यदा व्यू आ, ये उ बस जो पहाड़ों से पत्थर निकलता फिर उसी तराश तराश के बनिया हुई चीज़ा ने ऐ देखने। एक ये आ एक दे सामने एक तो अगे परांगा। तो अज्ज दे टाइम ते जे आपां किसे नूं पीओपी करन नूं कह दिए ना इहो जी मिस्त्री जवाब दे के भजूगा, ये मेरी गरंटी आ। कम देख लो होया गया, इधर भी देवी देवतियां दीआं मूर्तियां इहनां दीआं, ते इधर सारे पासे जिथे भी जाएंगे बरीक बरीक आर्ट नाल देवियां दीआं मूर्तियां सारे पासे सुनन लग्गियां मिलणगियां। इह इहनां दी समाधि है इक तरीके दी, ते इक उह सामने आ। हाँ हुण आपां जिथों दी गुजर रहे हां इत्थे सारे ही ऐं बणे होए, जां तां समाधियां जां कोई स्मारक, तो ऐ आ इधर भी आ समाधि जी सूँ उधरों दूर दिखा रही। हूँ तो सरकारी नंबर भी लग गए इन्हों 43/29, ये कोई सरकारी लाते सारियों कुछ उम्मीद जिम्मे जिम्मे राजे से उन्होंने राजें दिए जो संस्कार वगैरह इतने हुए है ना, या फिर समाधियों वगू देवल कह देंगे ये वह सारे उम्मीद बने हुए, तो जुत्ते कहते भाई बाहर उतार के आओ। तो इतने नाल भी लिखा जिमें आ देवल महाराजा गद सिंह जी, तो उन्होंने जो राज किया काल, ये फिर आ उपर नी बने हुए आ। तो आप इतने एक होर बनी हुई है समाधि, तो ये हजे भी इन्होंने दीवा रख्या हुआ, जिम्मे कोई ला के जाता होंगे ना उम्मीद चलता, जिमें मलेरकोटले यार अपने उत्थे तौंब बने हुए ना, इन्हों का शाही मकबरा गा, तो पंजाब के मलेरकोटले शाही मकबरा, उत्थे सारे मुसलमान जोड़ा ये सीगा नवाब मलेरकोटला खां होना है ना, जिनी भी अगे वंश सी उन्होंने सारे के शाही मकबरा बनया हुआ। उम्मीद इतने ये शाही घराने के आप कह लिए समाधान इतने सिवे बने हुए, तो जिन्होंने देवल कह दिया वो उमें बने हुए। यह सारा शमशान घाट से देख लो, ये तो बाद चीज़ा बन गई इतने, पहला तो सारा कुछ यह राम सारा मतलब शहर भी देख लो कि पुराना रामायण के टाइम का वसया हुआ शहर इत ही, मतलब इसी जगह के ही कहा जाता है सारा राउंड जेडे मिले है ना अपने अविशेष कह देंगे है ना हिंदी च, अविशेष पंजाबी दे कह लिए भी कुछ चीज़ा जिम्मे हूँ जाली वाला गा, जाली वाले तो अपन पता दस्यो फिर की चीज़ होंगी सी, मैं पिछले आप कई वीडियो के जिक्र कर चुके हैं। मंडोर आप लोग भी सूँ दसता, तो ये समाधियां दिखाती राजे राणिया दियाँ, तो इतने ही किसी टाइम से फिर आया होना रावण आदि लैके जंज, इतने पता नहीं हूँ किन्ने दिन रहा होना, तो पर कहते भाई शक्तियां शुक्तियां होंदिया सी उदों, तो उदो फिर आ गया होना टाइम नाल ही, तो इतें ही भाई बरात लैके टू गया से आपकी ब्याहन आया से घर वाली मंडोदरी पेके पिंड मंडोदरी दे, फिर रावण का बन गया जानी कि सौरा पिंड।
ਇਹ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਵਣ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਪਿੰਡ ਦਿਖਾਤੇ। ਹੁਣ ਜੋਧਪੁਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਘੁੰਮਣ ਆਉਂਦੇ ਹੋਗੇ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋਹਣੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ, ਦੇਖਣ ਯੋਗ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਹ। ਇਹ ਲੈ ਵੀ ਬਰਾਤ ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਹਨਾ ਇੱਥੋਂ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਊ, ਕਦੇ ਵੇਖੀ ਕਦੇ ਸਰ ਜੇ ਰੁਸ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿੱਡੀ ਦੂਰ ਸੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਸੀ ਭਾਈ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪੇਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਰਾਵਣ ਦਾ ਸਹੁਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਰ ਦਿਓ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਨਾਲ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਹਨਾ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਵਗੈਰਾ ਹਨਾ, ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਮ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਸ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਜੋਧਪੁਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋਧਪੁਰ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਜੋਧਪੁਰ ਤੋਂ ਬਸ 9 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਸੀਗਾ ਰਾਓ ਯੋਧਾ ਦਾ, ਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋਧਪੁਰ ਵਾਲਾ ਕਿਲ੍ਹਾ, ਰਾਓ ਯੋਧਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ। ਪਲਾਂਟ ਨਰਸਰੀ ਇੱਥੇ ਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਣੇ ਤਾਂ ਪੌਦੇ ਵਗੈਰਾ ਜਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਓ ਵੀ ਦਿਖਾਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਾਵਣ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਪਿੰਡ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ, ਓਮ ਬੰਨਾ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖੇਗੇ, ਉਹ ਬੁਲਟ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਤੇ ਬੁਲਟ ਮੰਦਿਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ। ਬੁਲਟ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪੂਜਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਬੁਲਟ ਬੜੇ ਦੇਖਿਆ, ਬੁਲਟ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਿਆ ਕਰੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਟੂਰ ਆਪਣਾ ਜਾਰੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਘੁੰਮਣਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਓ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਆਪਦਾ ਲਓ ਨਜ਼ਾਰੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਰਾਂਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।